इसका नाम है फिलो ऐप। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आ रहा हो, बोर्ड के क्वेश्चन हो या फिर हो जेई नीट के, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको पढ़ाई में आ रही है, जिसका सबका सॉल्यूशन है सिर्फ फिलो ऐप। आपको 24/7 अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने का मौका मिलता है, बस इन 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले आप लोगों को इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, जिसका फोटो क्लिक करें या फिर उसको टाइप करके आप लोगों को यहां पर अपलोड कर देना है। अपलोड होने के 60 सेकंड के अंदर ही आप लोगों को यहां पर इंडिया की टॉप फैकल्टीज पर से लाइव कनेक्ट करा देगा। आप अपने डाउट को यहां पर क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रीमियम कोर्स यहाँ पर परचेज करना है तो आप हमारा जो कोड है EAD001 इसको लगा सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही ऐप है, जिसका नाम है फिलो ऐप। आप लोगों को जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। UPSSC पैट आपका हो चुका है, 24 तारीख को आप लोगों ने ये परीक्षा दे दी है। अब इसके बाद आप लोगों की नज़रें सिर्फ टिकी हुई हैं इसके रिजल्ट के ऊपर कि किस तरह से रिजल्ट आएगा और उसके बाद क्या कट ऑफ होगी, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किस तरह से हमारे मार्क्स दिए जाएंगे। तो सभी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। अभी यहाँ पर एक अपडेट आया है आप सभी लोगों के लिए, UPSSC पैट जिस जिस बच्चे ने दिया है उन सभी लोगों के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। आपको हर तरह की अपडेट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कंटिन्यू आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर ये अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, जिसको पब्लिश किया है दुष्यंत शर्मा जी ने। अमर उजाला के अखबार में ये चीज़ आज पब्लिश की गई है। आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं, उस न्यूज़ को भी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर बताया गया कि UPSSC PET के अभ्यर्थियों को मूल OMR शीट भी देगा आयोग। नॉर्मलाइजेशन व व्यक्तिगत स्कोर के साथ OMR भी मिलेगी आप सभी लोगों को। OTP से OMR अपलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी, बढ़ेगा भरोसा। देख लेते हैं क्या यहाँ पर बताया गया है विस्तार में। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC द्विस्तरीय प्रणाली परीक्षा प्रणाली लागू करने के साथ ही अभ्यर्थियों में विश्वास बढ़ाने वाली एक अच्छी पहल भी करने जा रहा है, जिससे क्या होगा, आयोग अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के नॉर्मलाइजेशन स्कोर व व्यक्तिगत स्कोर के साथ मूल OMR शीट भी उपलब्ध करवाने की तैयारी कर रहा है। अभी अपनी ही OMR शीट के लिए अभ्यर्थियों को RTI से लेकर हाई कोर्ट तक चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप लोग खुद ही अपनी OMR शीट को डाउनलोड कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे कि क्या मेरी OMR शीट बिल्कुल सही चेक हुई है या फिर नहीं। इस तरह से आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोग PET की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर रहा है, आपत्तियां आमंत्रित करने की योजना पर भी काम कर रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आपत्ति के लिए जाने की प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके साथ ही OMR शीट की स्कैनिंग का काम शुरू करने की तैयारियां हो चुकी हैं। अधिकारियों ने बताया है कि स्कैनिंग पूरी करने के लिए एक महीने का लक्ष्य तय किया गया, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कितने सारे स्टूडेंट्स ने ये परीक्षा दी है। लगभग 20 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स ने परीक्षा को इस पहली परीक्षा को दिया है। यहाँ पर आगे बताया गया यह कार्यवाही पूरी होते ही 15 अक्टूबर तक ये कार्यवाही पूरी हो जाएगी, और उसके बाद मतलब 15 अक्टूबर तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस 15 अक्टूबर के बाद आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जा सकता है, यहाँ पर ये बताया गया है। ये सब करने की वजह क्या है, इससे अभ्यर्थियों का आयोग के ऊपर भरोसा बढ़ेगा, भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होगी, और OMR मिलने के क्या क्या फायदे यहाँ पर बताए गए। अभ्यर्थियों को वर्तमान में परीक्षा के समय OMR की तीसरी प्रति मतलब कि कार्बन कॉपी मिलती है, जो कई बार काफ़ी अस्पष्ट होती है और विवाद का विषय बन जाती है। तो यहाँ पर ये अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों का क्या कहना है इस अपडेट को लेकर, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।